इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकाइनोडर्म्स के अंदर डर्मल ब्रेंकियाई के बारे में बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे डर्मल ब्रेंकियाई क्या स्ट्रक्चर हैं नॉर्मली डर्मल ब्रेंकियाई आर थिन फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल और दे आर एक्सटेंडिंग बिटवीन द ऑसिकल्स और इनका फंक्शन क्या है दे आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन गैस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट और पेपीलाई आल्सो नोन एज डर्मल ब्रेंकियाई आर स्किन गिल्स दे आर प्रोजेक्शन ऑफ सिलोम ऑफ एस्ट्राइडिया फंक्शन है इनका वेस्ट रिमूवल एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस पेपीलाई के अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये सॉफ्ट हैं दे आर कवर्ड एक्सटर्नली विद द एपिडर्मस एंड आर लाइंड इंटरनली विद द पेरिटोनियम पेरिटोनियम एक स्ट्रक्चर जो कि इसको इंटरनली लाइन कर रहा है दे एक्सटेंड थ्रू द मिजोडर्मल ऑसिकल्स एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लार्वे बाय द पेडिसलेराय लिविंग पेसीमनस के अंदर डर्मल गिल्स जो हैं दे कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज दे कैन बी विड इनटू इन टू द बॉडी डरमल ब्रेंकिया आई के स्ट्रक्चर आ देखे आप देस आर द सॉफ्ट बम्प्स दिज आर द सॉफ्ट बम्प्स दैट एबजॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर दैट इज एंटरिंग द बॉडी थ्रू द मेडरेपोरइड तो दिज डरमल ब्रेंकिया आई आर द स्ट्रक्चर वी कैन से दैट आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन रेस्पेरेशन आर थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज